अम्बाला के सिविल अस्पताल में एक 55 वर्षीय महिला ने डॉक्टर से उनके फेस के एक तरफ ब्लैक फंगस होने की शिकायत किया, जिस पर जांच के बाद डॉक्टर नेहा का कहना है कि टेस्टिंग के बाद इस 55 वर्षीय महिला को ब्लैक फंगस की पुष्टि हो गई है। मैं अभी क्या डिटेल आई है पेशेंट की, क्या कुछ पूरा मामला है? हमारे पास अभी एक फीमेल पेशेंट आई है, 55 ईयर ओल्ड फीमेल, जो कि कंप्लेन कर रही है कि एक साइड ऑफ फेस उसका नम है, तो उसके हमें एंडोस्कोपी पे ब्लैक फंगस मिली है, विच हैज बीन कंफर्म्ड। फंगल हमने KOH नॉर्म किया था उसका, उससे हमें कंफर्म कर लिया गया कि वो म्यूकर माइकोसिस है। तो उस केस में हमें मेन ट्रीटमेंट इसमें होता है डिब्राइमेंट होती है और एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन लगते हैं। एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन के लिए हरियाणा सरकार ने एक साइट भी बनाई है जिससे हम एम्फोटेरिसिन बी प्रोक्योर कर सकते हैं। तो सिंस यहाँ पे अभी ऐसी फैसिलिटी नहीं है कोई, तो इसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाएगा, या तो कदना चावला मेडिकल कॉलेज या फिर चंडीगढ़ 32 मेडिकल कॉलेज में रेफर किया जाएगा पेशेंट को, जहाँ पे इसको फर्दर सर्जिकल डिप्राइवमेंट होगी और साथ में एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन मिलेंगे, जो कि 30-40 डेज लगातार लगते हैं। तो पेशेंट को उस टाइम एडमिशन और रीनल फंक्शन टेस्ट वगैरह मॉनिटर। मैम अभी क्या डिटेल आई है पेशेंट की, क्या कुछ पूरा मामला है? हमारे पास अभी एक फीमेल पेशेंट आई है, 55 ईयर ओल्ड फीमेल, जो कि कंप्लेन कर रही है कि एक साइड ऑफ फेस उसका नम है, तो उसके हमें एंडोस्कोपी पे ब्लैक फंगस मिली है, विच हैज़ बीन कंफर्म्ड। फंगल हमने KOH नॉर्म किया था उसका, उससे हमें कंफर्म कर लिया गया कि वो म्यूकर माइकोसिस है। तो उस केस में हमें मेन ट्रीटमेंट इसमें होता है डिब्राइवमेंट होती है और एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन लगते हैं। एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन के लिए हरियाणा सरकार ने एक साइट भी बनाई है जिससे हम एम्फोटेरिसिन बी प्रोक्योर कर सकते हैं। तो सिंस यहाँ पे अभी ऐसी फैसिलिटी नहीं है कोई, तो इसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाएगा, या तो कदना चावला मेडिकल कॉलेज या फिर चंडीगढ़ 32 मेडिकल कॉलेज में रेफर किया जाएगा पेशेंट को, जहाँ पे इसको फर्दर सर्जिकल डिप्राइवमेंट होगी और साथ में एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन मिलेंगे, जो कि 30-40 डेज लगातार लगते हैं। तो पेशेंट को उस टाइम एडमिशन और रीनल फंक्शन टेस्ट वगैरह मॉनिटर होते हैं। तो उसके बाद देश दुनिया दीयां ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलणा। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।